सुबह होते ही एक दुखद खबर यूपी से सुनने को मिली, जहां पर आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चालक की झपकी के कारण हादसे का शिकार 29 लोग हुए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यमुना एक्सप्रेसवे से 30 फुट गहरे झरना नाले में एक बस गिर गई, जिसमें 29 लोग मर गए हैं और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों से भरी हुई बस लखनऊ से चलकर दिल्ली की ओर आ रही थी। सभी यात्री खुश थे क्योंकि कुछ ही देर में वो अपने घर को पहुंचने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यमुना एक्सप्रेस होते हुए बस आगरा को क्रॉस करने वाली थी, अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस आगरा के झरना नाले में जा गिरी। घटना के बाद मौका स्थल पर चारों ओर चीख पुकार का शोरगुल बना हुआ है। बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सब मदद के लिए चीख रहे थे। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। नाले में गिरी ये बस की तस्वीरों को देखकर घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा सोचिए बस सवार यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। घटना में 29 यात्रियों की मौत हो गई है, करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके स्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस की ओर से बचाव कार्य किया गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया और घायलों के इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। 85877 ये गाड़ी लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे, उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आ करके गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ आत्मापुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक, उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है, तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है, बस के नीचे है या इसका चेक कर रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है ये स्पीड और नींद के वजह से हुआ है। वहीं इस घटना पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, तो घायलों को जल्द ही ठीक होने की कामना की गई है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि भीषण बस दुर्घटना की खबर से स्तब्ध हूं, अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों की पीड़ा के बारे में सोचकर मन विचलित है। बस अवध डिपो की थी जो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। घटना के बाद यूपी रोडवेज ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं घटना की जांच के लिए परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में मंडलायुक्त और आईजी आगरा की 3 सदस्य टीम का गठन किया गया है, जो अगले 24 घंटे में रिपोर्ट देगी, जिसमें घटना की मूल वजह के साथ ही समिति की सिफारिशें भी शामिल होंगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले 16 जून को भी भीषण हादसा हुआ था। नोएडा से आगरा जा रहे एक परिवार के लोग हादसे का शिकार हो गए थे। हादसे में 3 महिलाओं और एक बच्ची सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक सदस्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना पर रोक लगाई जा सके। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।